उठते पहले मैं आपको खिलाता हूँ। अरे खाइए, अरे नहीं। नर्मदा मैया, नर्मदा मैया की जय। ये किसका है ये वाला? ये क्या है ये वाला? ये रोके ना कोई, मैं चली मेरी जान। और क्या मत रो। इसमें रहना पसंद आएगा? हाँ। हमें कुछ बटर फैल गया था बास्केट के, तो दोनों में टाइम लग गया। अब हम बायोग्राफी का काम मैं डॉक्टर सुषमा को देती हूँ ताकि मैं भी आ सकूँ। हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ये जो नर्मदा नदी दिख रही है उस बोट में बैठ के हम सामने तक जाएंगे। क्या सीन है, क्या बात है? माजी है ये हमारा, नैया चलाएगा। कौन ये लड़का? आपका नाम क्या है बेटा? रुपेश। नर्मदा मैया, नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा, और एक बार बोलो, नर्मदा मैया की जय। छोटा सा घर है, देखिए गाय है। अरे उतरना है क्या? गोभी लगी है, वेजिटेबल्स है, या देखो ये सारा क्रॉप है। वाव, सो ये नदी के बराबर बीच में है, आइलैंड जैसा। यहाँ पे फार्मिंग भी करते हैं। और देखो हमारा, हम है ना वहाँ पे है पीछे हमारी गाड़िया, कुमार के पीछे की साइड हमारी गाड़िया है, और हम बिल्कुल पार करके बोट में यहाँ तक आए। तो ऐसा होता है, बड़ा दिल है ना चाचा, बड़े दिल वाले। हाँ बोले, हाँ बोले, बड़े दिल वाले चाचा। वाह, तो हम बोट के नीचे से उतर गए हैं, भैया के घर पहुँच गए। देखिए प्राइवेट आइलैंड, देखिए छोटा सा मंदिर, घर, यहाँ पे खटिया, गाय, देखिए। अच्छा देखो ये कुत्ता भी एक। शाकभाजी देखने जा रहे हैं, यहाँ पे जो उगा है वो कुछ अपने साथ ताजी ताजी शाकभाजी ले जाएंगे यहाँ से सब्जी बनाने के लिए। बैंगन कहाँ है?
बैंगन है। अच्छा ये वाले, ये वाले, ये रहे बैंगन। अच्छा ये भी है, ये आ आ फाइन से जो बैंगन ले लिए। कहाँ है बैंगन? बैंगन ये रहे, इसमें हमने बैंगन ले लिए भैया के ताजे ताजे खेत से। कौन से होते? पपीता लग रहा है एक तो, अमरूद, ये अमरूद का झाड़ दिख रहा है। अच्छा ये सीताफल है, उसके ऊपर वो बड़ा वाला वो अमरूद है। अच्छा ये आम। मैं चली मैं चली अपने प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली मेरी जान। टमाटर, ये पीछे सरसों और मिर्ची, ये सरसों है। ये किसका है ये वाला? ये क्या है ये वाला? ये तो सरसों, ये सरसों है। भी एक रास्ता जाता है ये पीछे की तरफ, यहाँ भी नर्मदा नदी है। से बोले क्या बोले आप? जिनकी ये वाली उंगली लंबी होती है इससे घर में चलता है, उसका घर में चलता है। ए, इसकी भी उंगली लंबी है। तो देख, अफसोस की बात है, इसको चलता ही नहीं है घर में। आपको ये वाला साइन शादी से पहले पता था? मैं बता रहा हूँ। अंकल जी थैंक यू सो मच। एक मिनट अंकल जी, सबसे पहले मैं आपको खिलाता हूँ। अरे खाइए, अरे नहीं, अरे 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 आइए आप, खाइए। अरे बहुत ही मीठा है, मैंने आइए ले ले पर। नहीं अरे खाइए। मैं और एक ले सकती हूँ? पहले बुरा तो होने दो, सबको हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतने सारे पहली बार नहीं कुमार, पहली बार ताजा आम से। अरे अरे ये अच्छे ताजा ताजा पहली बार देखे, डायरेक्ट फार्म से। शिनु खा लो, शिनु खा लो, अरे शिनु खा लो, खानो खा लो। अच्छे बच्चे, शुक्रिया आप सबका, खुश रहे आप। लिट्टी चोखा बन रहा है? हाँ लिट्टी बन रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। अरे वाह, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, ये पुलाव का तड़का लग रहा है भाई। तुलक्स और प्रिया जा रहे हैं, सबको बाय बाय बोल रहे हैं, हम भी बाय बाय बोल देते हैं। पैकअप कर रहे हैं ये लोग? अच्छा बस साथ छोड़ना है बस, अब ऐसा? अरे रोना मत, वापस मिलेंगे और क्या, मत रो। तो हम अब आइलैंड से, वो जो आइलैंड पे हम गए थे वहाँ से वापस आ गए हैं और लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भावना जी सब्जी रोटला बना रही और मैं बना रही हूँ। मेरे पास है ये दलिया, गेहूँ का दलिया जो होता है, उसका में घी डाल के उसका हलवा बोलते हैं, या घी में जो दलिया बनता है वो मैं बनाऊंगी, ड्राई फ्रूट्स घी सब डाल के। देखिए दलिया बहुत इजी रहता है, आप इसको मीठा बना लो या फिर सब्जी डाल के, चावल डाल के आप दलिया की खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो ये ट्रैवलिंग में बहुत हैंडी रहता है, कैंपिंग में। बादाम चाहिएगी इसमें, एक आपकी, ठीक है सबको मिल गई। बंद कर। पहले शिट्टी आंटी ने बनाए हैं सॉफ्ट दही के भल्ले, भाभी है। देखिए अरे वाह, प्लेट लाइए। क्या बात है, क्या बात है। इंस्टा बन गए आंटी तो, बहुत स्विफ्ट आप, मास्टर शेफ है, है? तुरंत आए और तुरंत बन गए। ये देखिए हम प्लेट धो के देखेंगे, नहीं हम रख लेंगे अभी। आप देखिए लिट्टी चोखा पुलाव, पार्टी हो गई।
आज भी हमारे प्यारे आंटी ने सूप बनाया है फ्रेंड्स, देखिए रोज रोज सूप पिला रही है, कितनी प्यारी है ना, रोज 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 सूप पिला रही है। उसके बाद हम घर जाएंगे तब मन होगा तो सूप पीने का, क्या करेंगे? फोन लगाओ, हाँ यूट्यूब ऑन करो। अच्छा यूट्यूब पे देख लेंगे।